किस लॉजिक पे आप बोलते हो कि भारत आपको तस्लीम नहीं करता? अगर आप भारत आपको तस्लीम नहीं करता तो इतनी आसानी से पाकिस्तान बनने क्यों दिया? पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने ही शुरू किया था। आपने जी इंडिया को, अखंड भारत को तस्लीम नहीं किया, आपने जी इंडिया को, अखंड भारत को तस्लीम नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट सारे मीडिया के आदमी को, पत्रकार को, बुद्धिजीवी को बदल लेना चाहिए कि अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को तस्लीम पाकिस्तानियों ने नहीं किया। रही बात हम उनको कब तस्लीम करेंगे, हम उनको तस्लीम करेंगे, और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, हमने बांग्लादेश बना करके बांग्लादेश को तस्लीम किया। हम पाकिस्तान पहले तो हम कर लेते, लेकिन अब हम पाकिस्तान को किन शर्तों पे तस्लीम करेंगे? जब हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, उसके बाद आप समझिए सिंध को अलग कर देंगे, खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर देंगे, गिलगित बाल्टिस्तान को अलग कर देंगे और कश्मीर ले लेंगे। हम हर एक स्टेट को अलग अलग तस्लीम करेंगे, जैसे हमने बांग्लादेश को तस्लीम किया, और डंके की चोट पे पूरी दुनिया से हम तस्लीम भी करवाएंगे। ये वार्निंग है पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के लिए, मेरे तरफ से बोल दीजिएगा, आप वेट करिए। तो ये एक हुआ ग्रास रूट लेवल की पाकिस्तान में इतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्यों है, इतना ज्यादा प्रतिद्वंद क्यों है, हर चीज कंट्राडिक्टरी क्यों है पाकिस्तान में, उसके पीछे ये एक रीजन है। और इस आइडियोलॉजी को अब पाकिस्तान इतना फंस गया है ना कि वो जन्नती आइडियोलॉजी से, देखिए जहां 72 हूरें मिलेंगी, इतना खूबसूरत ख्वाब में क्यों कोई पाकिस्तान का मुल्ला, मिलिट्री वाला, वहां की जनता वहां से बाहर आना चाहेगी? उसके सामने भूख प्यास सब गायब है। तो ये कंडीशन है, मेन कंडीशन मैं ये मानता हूँ, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जन्नती है, यानी आइडियोलॉजिकली वो 24 आवर जन्नत में रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ISI, मिलिट्री के जनरल से लेके जनता तक, और फेस उनको करना पड़ रहा है दुनिया के चैलेंजेस से, कभी FATF की पाबंदी, कभी उधर की पाबंदी, कभी इंडिया से। इंशाअल्लाह हमारी आपकी उम्र अभी काफी रहेगी, आप देखिएगा अगले 15-20 सालों में भी आपको कोई सलूशन नहीं होगा, इमरान खान जाएंगे। और जो काम जल्दबाजी में होता है ना, वो कभी मजबूत नहीं होता है। पाकिस्तान तो हबड़ तबड़ में बना, जी जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, तो उनको कुछ बनाने का, प्रिंसिपली प्रिंसिपल बेस्ड डेवलप करने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे में बंदर बांट हो गई, जो आता है वही सत्ता पे काबिज हो जाता है, फिर देश निकाला हो जाता है, जैसे मुशर्रफ आजकल देश निकाला है, नवाज शरीफ है, और अभी भी इमरान खान वही है, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में कू ही हुआ है। तो जस्ट मतलब अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कितने दिन की बात है, आप देखिए अभी आपके सामने आएगा तहरीके लब्बैक। ये बरेलवी हैं, और इनकी इनकी जो आइडियोलॉजी है, हम तो मेरी तो बेसिक एजुकेशन बरेली में हुई है, मैं तो जानता हूं इनकी आइडियोलॉजी क्या है। किसी ने कोई धमकी नहीं दी कि हम अमेजन के जी सीईओ का जो है गला काट लेंगे, या किसी ने हेड बाउंटी नहीं रखी कि जो अमेजन का सीईओ है, अगर उसका जो है मस्तिष्क छिन्न भिन्न करके लाता है, जो अगर हिंदू उसके हिंदी के हिसाब से, कि अगर फलाने आदमी का कोई मस्तिष्क छिन्न भिन्न करके लाता है, तो इतने कोटि रूपये कांड उसको जो है बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे।